Hello students, in this video we saw question number 8 of exercise 7.3. So question is, Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. First line में बोला गया है कि रमेश के पास 20 pencils हैं total, Shilu के पास total 50 pencils हैं और Jamal जो लड़का है उसके पास 80 pencils हैं. After 4 months, 4 महीनों के बाद रमेश used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. 4 महीने के बाद जो रमेश था उसने अपनी 10 pencil use कर ली, Shilu ने अपनी 25 pencil use कर ली और Jamal ने अपनी 40 pencils use कर ली. What fraction did each use up? आपने बताना है प्रत्येक ने जो fraction use करी है वो कितनी है, ठीक है? And उसके बाद check each used up an equal fraction of pencils or not, कि जो उन्होंने fractions use की ना pencil की वो equal है या नहीं. So solution start करेंगे. First किसका case है, रमेश का, तो आप लिखेंगे used up fraction for रमेश. रमेश के बारे में जो pencils उसने use कर ली उसका use up fraction क्या होगा, क्या होगा? Total आपको मैंने बताया है किसमें आता है, denominator में, और जितनी use की वो आएगा numerator में. Total कितनी थी उसके पास, 20, use कर ली उसने 10, तो ये बन गया 10/20. Okay, next used up fraction for second है Shilu. Shilu के केस में कितना होगा ये, Shilu के पास टोटल थी 50, use कर ली उसने 25, तो बन जाएगा 25/50. Shilu के केस में used up fraction for second है, लास्ट वन है आपका Jamal. Jamal, तो Jamal के केस में pencil थे उसके पास 80, use कर ली उसने 40. यहाँ तक आपने ये किया, सबके लिए फ्रैक्शंस आप लिख ली. अब इन फ्रैक्शंस को आपने बताना है कि उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज की कि नहीं, तो आप इनको सिंपलीफाई कर दीजिए. यहाँ पे 10/20 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, 1/2. इट मीन Shilu ने जो फ्रैक्शन यूज की वो क्या है, 1/2. नेक्स्ट आपके पास 25/50 है, 25 5 से डिवाइड करो तो 25 5 से 5 से 25, 5 से कट कर दिया, 5 आ गए, 50, 5 टाइम्स का 50, ये बन गया 5/10, 5 टाइम्स का 5, 5 टाइम्स का 10, ये भी आगे इतना बन जाएगा 1/2. तो ये किसकी फ्रैक्शन आई, Shilu की. Shilu ने भी 1/2 फ्रैक्शन यूज की. नेक्स्ट है Jamal का केस, 0 से 0 कैंसिल, 4 बचा 4, 4 2 8, इसने भी 1/2 फ्रैक्शन यूज की, 1/2, 1/2, 1/2. used up an equal fraction. बच्चे यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है. क्वेश्चन को लेंथी देख के डरना नहीं है, पार्ट वाइज उसको सॉल्व करना है. थैंक यू.